गिरफ्तारी के बारे में तो कोर्ट ने ये माना है कि गिरफ्तारी सही थी और जो प्रोसीजर है उसको सही माना गया है। फैसला ये दोनों ही जजों का यही है, लेकिन साथ में जो जस्टिस उज्जवल भुइयां हैं उन्होंने अपना जो ऑब्जर्व ये कहा है कि जो टाइमिंग थी गिरफ्तारी की, जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया वो सही नहीं थी। आशीष भार्गव हैं, जो जब फैसला सुनाया जा रहा था हमारे वरिष्ठ सहयोगी वो कोर्ट के अंदर ही थे। गिरफ्तारी तो दोनों ने ही माना है कि ठीक है, उसमें कुछ लीगल एंगल नहीं है, अवैध नहीं थी, लेकिन साथ में एक बहुत समय बाद एक बात बोली है सीबीआई के लिए कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो बहुत सालों पहले बात होती थी अब फिर से ही शुरू हुई है। और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने। जी, दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। पहली, जमानत मिल गई है, जमानत पर दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, सहमति से दोनों ने जमानत दे दी है। और ये भी कहा है कि हमने जो है पर्सनल लिबर्टी यानी निजी जो आज़ादी है उस पर विचार किया है, और पुराने जो फैसले अभी आए थे हाल फिलहाल में, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे किसी का। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि ट्रायल भी जल्द पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये सीधे तौर पर उनको जमानत दे दी है, 10 लाख का मुचलका और बेल बॉन्ड उनको भरने पड़ेंगे। कंडीशन ईडी वाली कंडीशन को कहा है वही चलेंगी। हालांकि जस्टिस भुइयां उसमें थोड़ा सा आपत्ति उनको है, लेकिन क्योंकि ईडी केस में पहले से ही वो कंडीशन है कि ऑफिशियल साइन बहुत ज़रूरी नहीं हो तो नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पब्लिक कमेंट कोई नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, इस केस पर। उस पर वो जो ईडी की कंडीशन अगर आज ये नहीं भी लगाते तो वो एप्लीकेबल रहती, क्योंकि ईडी केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडीशन लगाई हुई है। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि गिरफ्तारी वैध थी अवैध थी उसको लेकर थोड़ी सी स्प्लिट राय जो है वो दोनों की है। अच्छा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कोई इलीगलिटी इसमें नहीं है। जस्टिस भुइयां यहाँ थोड़ा सा उनका मतभेद है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इलीगल नहीं बोला, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाया है और बोला है कि केजरीवाल को लगातार जेल में रखना जो है न्याय का मखौल उड़ाना होगा। जो टाइमिंग ऑफ अरेस्ट थी, जो केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि ईडी केस में वो बाहर ना निकल जाए इसलिए अरेस्ट किया, उसको उन्होंने कहा है, और कहा है कि सीबीआई देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है, उसको इस तरीके से लोगों का भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। एक समय था जब उसको पिंजरे का तोता कहा जाता था, उस वो जो छवि है उससे उसको बाहर निकलना होगा। और ये भी उन्होंने बोला है कि इस केस में जो टाइमिंग अरेस्ट है जो है वो उससे वो सहमत नहीं है। अच्छा, तो एक बड़ी टिप्पणी सीबीआई के ऊपर है वो और भी काफी चर्चा में रहे हैं, काफी अहम रहे हैं। इस पर भी जो है वो जस्टिस भुइयां ने टिप्पणी की है कि आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में जरा आप पूछिए यहाँ पर आशीष से कि यहाँ पर जो जब वो बता रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे यहाँ पर जस्टिस, तो किस परिदृश्य में वो कह रहे थे? आशीष जी, हमेशा जो सीबीआई या ईडी की तरफ से ये कहा गया कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी कोई भी नेता हो जो शराब नीति में जो फंसे, उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि बयान जैसा बयान ये चाह रहे हैं हम वैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो कोर्ट ने, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि बयान देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, एक वो तय कर चुका है कि गिरफ्तारी का आधार सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसी कि आप सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ये बयान नहीं दे रहे हैं या पूछताछ। बयान सहयोग करना क्या होता है? सहयोग एजेंसी, अगर आप देखें तो एजेंसी कहे कि सहयोग का मतलब जो एजेंसी कह रही है, आरोप लगा रही है, आप उसको मान लें। अगर आप नकारते हैं तो इसका मतलब वो असहयोग भी आपको कह सकती है। तो ये जो परिभाषा है, जो बात है, सहयोग कब किस लिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने तय पहले बना चुका है, तय लक्ष्मण रेखा तय कर चुका है कि सिर्फ इस बिना पर कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, इस बिना पर अरेस्ट का ग्राउंड नहीं बनता। ईडी वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरोगेशन करना है ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता, आपने पूछताछ करनी है, और ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता कि बयान नहीं दे रहे या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक बड़ा जजमेंट, आज बड़ा फैसला है अरविंद केजरीवाल के लिए, बड़ी राहत है, हरियाणा में इलेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पर्सनल लिबर्टी, निजी आज़ादी को फिर एक बार तरजीह दी है, चाहे कविता का केस हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर सबको जमानत दी है, लगातार जमानत सुप्रीम कोर्ट दे रही है कहीं ना कहीं। लेकिन सीबीआई का जो एक्ट था उसको सीबीआई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये भी बोला है न्याय का मखोल उड़ाना है इस तरीके से अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है इस तरह की टिप्पणियाँ। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कोई टिप्पणियाँ नहीं की हैं, ये सिर्फ एक जज ने टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन उन्होंने वो सारी टिप्पणियाँ की हैं जो मेरिट पर इस पढ़ना चाहिए।
अपनी एक जगह है और ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको जांच एजेंसी को एक बार फिर सोचने को मजबूर करेगी और एक बहस पिंजरे के तोते वाली एक बार फिर ये जो बहस है ये जस्टिस उज्जल भुइयां ने एक बार फिर शुरू करा दी है। और जैसे सूर्यकांत ने जो फैसला सुनाया सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पहले अरेस्ट पे उन्होंने बताया, क्या अरेस्ट लीगल है इलीगल है उस पर पहले फैसला सुनाया और उसके बाद वो इस मुद्दे पर गए कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो बेल उन्होंने दी है, कंडीशन भी लगाई है 10 लाख के मुचलकर पर्सनल बॉन्ड पर रिहा होंगे, पब्लिक में कमेंट नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर बोला और ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे।